नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए राम मंदिर में श्रद्धालुओं का जायजा लिया। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते, सुनिए। सब समय पर लिए गए नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों के कारण है, ये भी हमको मुझे याद है। कोरोना फैला था, हर दिन लोग बोलते थे पैकेज दो पैकेज दो पैकेज दो। मुझे याद है मैं ये अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा, सभी मंत्रियों को बुलाना, चर्चा करनी, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बहुत से छोटे ग्रुप्स बैठते थे, सब डिस्कशन करते थे। सब कह रहे थे ये पैकेज देते ये पैकेज देते ये पैकेज देते ये पैकेज देते। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत स्पष्ट थे, हमने देश को मजबूत करना है, इसलिए कोरोना के समय हमारे दृष्टि से जो हम फैसला लेंगे वह हमारे लोग किस तरीके से इस परिस्थिति में विषमता में भी अवसर ढूंढ सके, इसके लिए हम काम करेंगे और वो हम लोगों के काम है। मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने सपोर्ट किया। एग्रीकल्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए उस समय हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिसाइडेड टू स्पेंड 10,00,000 करोड़ रुपीज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। और इकोनॉमी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बूस्ट किया और ये कांग्रेस ही डेली चिल्लाए पैकेज पैकेज पैकेज। फिर मुझे बोलना पड़ा तुमको पैकेज नहीं दिखता है, पैकेज में कमीशन दिखता है, कमीशन यू नीड कमीशन। और मोदी जी लोगों को मजबूत करने के लिए, और आज उसी का कारण है कि आज हमारी इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है और हमारा ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, ये भी हमको ध्यान देना है। और जब मैं सबसे ज्यादा और सबसे कम बोलता हूं तो जापान जोड़ता हूं, अमेरिका जोड़ता हूं, होल ऑफ यूरोप जोड़ता हूं, ऑस्ट्रेलिया जोड़ता हूं, न्यूजीलैंड जोड़ता हूं, सबको जोड़ के बता रहा हूं। उनके इन्फ्लेशन रेट को देख लो, रशिया के इन्फ्लेशन रेट को देख लो, एंड दिस इज ऑल आफ्टर यूक्रेन वॉर एंड दी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इशू रिलेटेड टू हमास एंड इज़राइल। इसके बावजूद हम वन ऑफ द स्टेबल इकॉनमी के रूप में खड़े हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं आगे चलकर के आपको प्रधानमंत्री जी के भाषणों पर भी चर्चा करूंगा कभी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण में लाल किले के प्राचीर से कहा कि तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए राम मंदिर में श्रद्धालुओं का जायजा लिया, साथ ही श्रद्धालुओं से चर्चा की। हालांकि आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में निरीक्षण कर रहे हैं। राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए राम मंदिर को खोल दिया गया है और यहां जाकर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन लोगों की, श्रद्धालुओं की जो ये यात्रा है, जो लोग बाहर से अयोध्या पहुंचे हैं या फिर जो लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, इस दौरान श्रद्धालुओं का भी उन्होंने बातचीत कर उन्हें देखा। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद चले। ज्यादा जानकारी के लिए अंशुमन हमारे साथ ज्यादा जानकारी देंगे, लाइव जुड़ गए हैं। अंशुमन, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जायजा ले रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। अंशुमन, क्या आपको आवाज आ पा रही है?
ठीक है, दोबारा संपर्क साधेंगे अंशुमान से। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि राम मंदिर में आम लोग अब जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल हवाई सर्वेक्षण किया बल्कि श्रद्धालुओं को भी देखा। वही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद राम मंदिर को जनता के लिए खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से पहले रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से भक्त अपने आराध्य अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अयोध्या जाने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भीड़ को काबू करने में प्रशासन भी जुटा हुआ है। भीड़ को बेकाबू होता देख एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने खुद मोर्चा संभाला है। लगातार चेक करा रहे हैं पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर एक कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा, जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन ही करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर आने वाला रास्ता ये नहीं बल्कि अन्यत्र से बाहर निकल रहे हैं। हमारे एंट्री एग्जिट गेट्स पहले से डिफाइंड हैं, उन्हीं रास्तों लोग जा रहे हैं। जो लोग अंदर गए हैं, जितने लोग बाहर निकले सब दर्शन करके बाहर। तो वहीं अयोध्या में राम भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और निरीक्षण किया। वहीं शासन के उच्च अधिकारी भी अयोध्या में मौजूद हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि हड़बड़ाहट में राम भक्त अयोध्या ना आए। इस दौरान अयोध्या पहुंचे पद्मश्री सम्मानित सदगुरु ब्रह्मेशानंद ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या त्रेता जैसी सुंदर दिख रही है। सुनिए। पद्मश्री सदगुरु ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी भी अयोध्या पहुंचे हैं। महाराज जी 500 वर्षों की प्रतिज्ञा रामलला टाट से अटठाट। वैसे तो देश दुनिया में जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनमें खुशी का एक इतना अच्छा माहौल तैयार हुआ है। बस एक ही काम के लिए 500 साल के इंतजार के बाद आज हम प्रभु राम जी का भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापना देख चुके हैं। हमारी पीढ़ी हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जैसे लोगों को भाग्यवान समझना चाहिए ताकि भगवान जी की स्थापना पूज्य संतों के सान्निध्य में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुई है और ये देश के लिए राम राज्य की स्थापना की मुहूर्त मेढ़ हम मानते हैं। आगे जाकर प्रभु राम जी का जो चरित्र है वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों तक हमें पहुंचाने का संकल्प जो है वो आज से शुरू होगा और आगे आने वाले जितने भी हम लोग हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश का जो अध्यात्म है वो देश दुनिया में जाए और सभी जगह पर तभी शांति का माहौल बना रहेगा। महाराज जी आज अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसमागम में आए लगभग 2 बजे तक 2.5 लाख लोगों ने रामलला का दर्शन किया और आपने भी रामलला का दर्शन किया। भगवान जी की जो स्थापना हुई है अयोध्या तो स्वर्ग बनी है। अभी इस स्वर्ग तुल्य अयोध्या भूमि में देश दुनिया के सारे भगवान के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जब पता चला कि सब आ सकते हैं तो सारे लोगों में इतना उत्साह भरा पड़ा है
कि लोगों को लगता है कि कब मैं भगवान जी का दर्शन करूं। कल जब स्थापना हुई, साधु संतों के आंखों में आंसू थे। इतने सालों से, इतने वर्षों से, दशकों नहीं शतकों से जिसका इंतजार हो रहा था, वो साक्षात देखते हुए लोग तो भाव विभोर हो गए और उत्साह तो एकदम सीमा उसकी नहीं थी। न्यूज इंडिया के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पराक्रम दिवस जो आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, 2021 में पीएम मोदी ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। महिलाओं ने देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सुनिए। भी बेहतरीन प्रस्तुति हम सब के माध्यम से पॉसिबल है, संभव है, वो करने का प्रयास किया। हमारे सभी विभाग और सभी लोग इन सब कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं और सबसे जो सुंदर चित्रण है वो ये है कि पराक्रम दिवस जो कि आज शाम 23 जनवरी जो कि हम सब जानते हैं कि जन्म दिन है, जन्म दिवस है सुभाष चंद्र बोस का, और 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और तब से अब तक हम लगातार इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और ये सप्ताह स्पेसिफिकली 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का दिन इस देश के लिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसी समय पर गणतंत्र दिवस भी रहता है, इसमें गांधी जी की बलिदान दिवस भी रहता है और 31 जनवरी भी इसमें रहती है। तो ये सब दिन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस सारे आयोजन में दिखाई दे रही है वो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि देश की सभ्यता संस्कृति को आगे लेकर चलने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और कहीं ना कहीं उसको आज़ादी के बाद नकारने का प्रयास हुआ और उसको सुदृढ़ करने का प्रयास अभी की सरकार ने किया। और जिस अनंत सूत्र की हम बात कर रहे हैं वो अनंत सूत्र चाहे आप सामाजिक रूप से देखें और चाहे आप सांस्कृतिक रूप से देखें, चाहे देश की एकता और अखंडता के रूप में देखें, उस सूत्र को मजबूत करने का काम इस देश के जनमानस ने किया। जो भी बेहतरीन प्रस्तुति हम सब के माध्यम से। तो ईडी के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रिफंड घोटाले को लेकर रेड जारी है। करीब 70 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और अब तक 18 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें, ईडी की हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में रेड लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रिफंड घोटाले को लेकर रेड की गई, करीब 70 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और अब तक 18 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रिफंड मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में रेड की जा रही है। 18 अलग अलग ठिकानों पर अब तक छापेमारी ईडी कर चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रिफंड घोटाले को लेकर ये रेड लगातार की जा रही है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, ईडी की ओर से लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले में लगातार जांच जारी है। फिलहाल अपडेट के साथ पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। 2015 से लेकर 2019 तक के जो घोटाले हुए, लगभग 70 करोड़ का मामले का घोटाला है जो सामने आ रहा है, जिसके चलते ईडी के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में लगातार 18 ठिकानों पर जो है छापे पड़े हैं और उनकी 6 टीमें वहां 6 ठिकानों पर मौजूद है, क्योंकि जो अधिकारी जहां पर मौजूद है उन्हें वहीं पर नजरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा ईडी की जो रेड है उनमें लगभग 6 अधिकारी जो है इस पूरी भूमिका में शामिल आ रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी संलिप्तता उनकी पाई जा रही है। दूसरी अगर बात करें, लगभग 70 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसमें यह सामने आया है कि गलत तरीके से रिफंड जो है उनसे लिए गए हैं
जिसके चलते ये सारी जो रेड है ईडी द्वारा की जा रही है। जी ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी तक लगातार जो रेड की जा रही है और शिकंजा जो कसा जा रहा है, इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है राजनीतिक तौर पर? जी पूजा, अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर है, अभी पहले ही बताया था कि इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी लगातार 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। तो गुरुग्राम और मानेसर से जुड़े हुए जो भी जहां पर रियल स्टेट के अधिकारी थे, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको उसके फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर जो थी हुड्डा को जमीन उन्होंने दी थी, जिसके चलते वहां पर जो रियल स्टेट के अधिकारी थे उनको फायदा पहुंच सके। क्योंकि इस मामले में कई बड़े रियल स्टेट के अधिकारी हैं जो इस जांच के मामले की रडार पर हैं, ताकि क्योंकि जल्द ही हो सकता है उनके ऊपर की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो मामला है 2015 से लेकर 2019 तक के घोटाले का चल रहा है, क्योंकि लगभग 70 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि जिसके चलते जो भी हुड्डा के जो कस्टमर्स थे उनसे लगभग हर किसी चीज के लिए 2-2.5 लाख रुपए रिफंड के लिए जाते थे, और जो सारा पैसा था वो अधिकारियों के खाते में जाता था। कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा घोटाला है, जो कि अब ईडी के द्वारा इस मामले को सामने लाया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये रेड लगातार जारी है, सुबह से चल रही है, इस रेड के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रेड को लेकर 5 दिन माने, 2 दिन माने, 3 दिन माने, या हो सकता है ये रेड शाम पर खत्म हो जाए, क्योंकि ईडी की जो रेड है इस मामले में, क्योंकि जो लोकल पुलिस होती है वो भी वहां पर मौजूद नहीं होती, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात होती है, अभी तक प्रतिक्रिया किसी के सामने नहीं आई। बिल्कुल, देखिए अभिना, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जो इस तरह से कई नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में कई और बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि बिना किसी के संरक्षण के बड़े पैमाने पर रिफंड की मनी में घोटाला होना इतना आसान है नहीं। जी बिल्कुल पूजा, हम बिल्कुल ठीक कह सकते हैं, इस मामले में बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, क्योंकि हुड्डा का ये जो शहरी विकास प्राधिकरण जो विभाग है, इसमें गलत तरीके से रिफंड लेना, पैसे लेना, और वो डायरेक्ट अधिकारियों के खाते में आना, क्योंकि इस मामले में जो जानकारी कस्मत को नहीं होती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा तो है इस मामले में, पूरी जांच कर रही है, क्योंकि लगातार, क्योंकि अगर माना जाए तो कई लोग इस जो लोग हुड्डा में अपनी चीजें जगह परचेज करते हैं, उनको ये कहता है कि हुड्डा की तरफ से उनको नोटिस मिला है, उनको 2 लाख रुपया भरना है, उनको 2.5 लाख रुपया भरना है, कहीं ना कहीं गलत तरीके से धोखे से हुड्डा के जो अधिकारी हैं, जो कस्टमर जो होते हैं उनको गलत तरीके से हरास करके नोटिस भेजकर उनसे पैसे लेते हैं, और जो सारा जो पैसा अधिकारियों के पर्सनल खातों में जाता है, कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा घोटाला, इसमें अधिकारियों के नाम सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े 6 अधिकारियों की जो भूमिका है वो इसमें शामिल जो है पाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों के नाम जो है वो सामने नहीं आए। तो क्या ये जांच आगे भी अभी जारी रहने की उम्मीद है वीना? जी बिल्कुल पूजा, ये जांच बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि रेड का भी नहीं पता कि रेड अभी कितनी देर तक या कितने दिन तक और चलेगी, क्योंकि हुड्डा का मैटर है, और 70 करोड़ की बात करें तो ये जो पैसों का मामला है, 1 करोड़ और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 70 करोड़ का घोटाला कोई छोटी रकम नहीं होती है, क्योंकि अगर इस मामले में पूरी जांच की जाए तो कहीं ना कहीं ईडी 18 जगह पर छापे मार रही है, और पैसों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, और इस मामले में भी जो अधिकारी हैं, जितनी भी ईडी की जो 6 टीमें हैं, लगातार अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें बड़े से बड़े अधिकारी और भी संलिप्त उनके सामने आएंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुख करते अगली खबर का, असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है, जहां हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधा गया। असम में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इस राज्य में किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल सकती है, ये वो मुद्दे हैं जो हम उठा रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से ये बयान दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ असम में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधा है। मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है, जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पदयात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं, तो हमारा तो फायदा है, हमारा जो मैसेज है न्याय का मैसेज है वो तो जा रहा है, गांव-गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है, राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं उनको क्यों रोक रहे हैं, राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं उनको क्यों रोक रहे हैं, पदयात्रा नड्डा जी की चली जाती है,
बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।